नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान क्या हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदों की तो हमने बहुत बात करी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान क्या हो सकते हैं। देखो, पहले हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या फ़ायदों की बात करी कि चर्बी कम होती है, मांसपेशियाँ बढ़ती है, फैट लॉस होता है, मसल गेन होता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकता है, शरीर का शुद्धिकरण होता है, हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, शरीर में से कचरा बाहर निकलता है, हमारे ऑर्गन्स की जो सेहत है वो अच्छी होती है, हमारे ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी होती है, हमारी उम्र बढ़ती है, हम देर से बूढ़े होते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि उपवास, जो हम एक दिन पूरे दिन भूखे रहते हैं, वो सबसे अच्छी औषधि है। फायदों की हमने बहुत बात कर ली अभी तक पिछले काफ़ी वीडियोज में, पर नुकसान क्या है? मुझे कोई नुकसान याद नहीं आ रहा, मुझे कभी किसी ने इसका कोई नुकसान बताया नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, तो मुझे कोई नुकसान याद नहीं आ रहा। कुछ खास नुकसान है ही नहीं तो याद कैसे आएगा। तो कहने का मतलब है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ खास ऐसा कोई नुकसान है ही नहीं, तो सिवाय इसके कि मतलब आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। शुरुआत में जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पे नियंत्रण रखना पड़ेगा कि यार अपने को भूख सहन करनी है कुछ देर के लिए, धीरे धीरे आदत होएगी, इन वो आदत होने तक खुद को नियंत्रण करना पड़ेगा, खुद पे संयम रखना पड़ेगा। ये संयम रखना आपको लग सकता है कि यार ये नुकसान है, मेरे को नियंत्रण रखना पड़ रहा है, संयम रखना पड़ रहा है, पर आदमी को खुद के ऊपर संयम रखना आना चाहिए, तो ये भी एक फायदे है। कहने का मतलब है ये है कि ऐसे कोई खास नुकसान है नहीं, तो फायदे ही फायदे हैं। धूम मचा ले, रंग जमा ले हो गया, तो मतलब ऐसे कोई खास नुकसान है नहीं, फायदे ही फायदे। अच्छा, जब इतने ही फायदे हैं तो एक और फायदे की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बात नहीं करा था। जब नुकसान कुछ खास है नहीं तो एक और फायदा सुन लो। अभी तक जितने भी फायदे सुने तो तुम्हारे फायदे थे, इंटरमिटेंट फास्टिंग तुम कर रहे हो तुम्हें फायदा हो रहा था, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग तुम कर रहे हो तो किसी और को क्या फायदा हो रहा है? परोपकार हमारे जीवन में बहुत काम की चीज़ है। हम अपने लिए तो बहुत जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीना भी जरूरी है, मतलब वो ज़्यादा जरूरी है खुद के लिए जीने से। दूसरों को क्या फायदा हो रहा है? देखो, जब तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग में, मान लो तुमने एक दिन उपवास कर लिया, खाना नहीं खाया, तो उस दिन तुमने जो खाना नहीं खाया, या तुमने एक दिन में 18 घंटे खाना नहीं खाया और बचे 6 घंटे में खाना खाया, तो 6 घंटे में तुम उतना नहीं खा पाओगे जितना तुम पूरे दिन खाते तो खाते, वो तुम हल्का कम खाओगे जो तुमने खाना कम खाया, जो खाना तुमने नहीं खाया, और या फिर तुमने पूरे दिन उपवास किया तो तुमने जो खाना नहीं खाया, जो तुम्हारे कम खाने के कारण खाना बच गया, वो कोई और आदमी जो ज़रूरतमंद है, जो कि भूखा है, जो गरीब है, उसके लिए बच गया ना, किसी और के लिए खाना ज़्यादा बच गया, जो तुमने कम खाया वो किसी और के खाने के लिए बच गया, जिसको ज़रूरत है, जो भूखा है, जो गरीब है, तो तुम्हारे कम खाने से किसी और का पेट भर रहा है ना, तुम्हारे कुछ खाना कम खाने से, वो खाने उस खाने से जो खाना तुमने छोड़ दिया, जो तुम्हारे कारण बच गया, उसे किसी और का पेट भर रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो तुम अपना नहीं करके किसी और का कर रहे हो। अपना फ़ायदा करो, इतने सारे फ़ायदे खुद के, और बदले में किसी और का भी फ़ायदा, वो भी इतना बड़ा, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही तुम्हें लग रहा हो कि क्या फ़ायदा कह रहा है, तो मैं एक बात बता दूं कि आज़ादी के बाद में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी एक कि नहीं, एक ने कहा था, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने कहा था शायद, पर किसी एक ने कहा था कि एक टाइम का खाना खाओ और एक टाइम का खाना मत खाओ, क्योंकि तुम एक टाइम का खाना नहीं खाओगे तो उससे कोई एक जना और एक टाइम का खाना खा पाएगा। उस वक्त इतनी गरीबी थी, आज इतनी गरीबी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी काफ़ी लोग गरीब है, तो तुम जो खाना छोड़ते हो उससे किसी और का पेट भर सकते, किसी और ज़रूरतमंद की मदद हो सकती है, परोपकार भी हो रहा है और खुद का फ़ायदा तो बहुत सारा हो ही रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। मैं तुमसे अगले वीडियो में, नमस्कार।